बोल रही हूँ मैं। हाँ, रिवीजन के लिए कर सकते हो, चलेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर वाला है ना, रिवीजन के लिए रख लो, अच्छा है। चलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर राइट आउट, स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो हमने ग्लूकोज के, एक तो डी क्यों कहते हैं ये आपको बताया है, ग्लिसरलिहाइड वाला केस है, अच्छा। प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो होता है, ये जो प्लस है ये मुझे बताता है कि डेक्स्ट्रो को बताता है, और ये क्या बताता है, डी मुझे कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, ठीक है। अच्छा, डी प्लस ग्लूकोज काफी सारे रिएक्शन को दिखाता है, बट ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो डी प्लस ग्लूकोज मुझे शो नहीं करता है, जैसे कि स्किप बेस टेस्ट हो गया, 2,4-DNP टेस्ट हो गया, या फिर NaHSO3 टेस्ट हो गया, ये कुछ कुछ टेस्ट को ये पॉजिटिव नहीं शो करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर अवेलेबल है। अब इसमें इसके कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं, 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं, क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। इसके 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, और ये दोनों जो ग्लूकोज के फॉर्म है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये डी प्लस ग्लूकोज के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्या है, डी प्लस ग्लूकोज के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। और डी प्लस ग्लूकोज का मतलब है स्ट्रेट चेन ग्लूकोज को अगर मैं हीट करती हूँ तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अल्फा डी पे बनता है, और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बीटा डी, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे 2 अलग अलग स्टेट पे वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ सिंपल ग्लूकोज क्या है, ये सिंपल ग्लूकोज है ना, मुझे बताओ ये सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है जिसे आप डी प्लस ग्लूकोज कहते हो, और ये स्ट्रेट चेन ग्लूकोज है, देख लो। अब इसको जब मैं हीट करती हूँ तो क्या होता है, ये 303 केल्विन पे जब हम हीट करते हैं तो ये अल्फा डी पे कन्वर्ट होता है, अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जब मैं इसे हीट करती हूँ किसमें, 371 केल्विन पे, तो ये बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, हीट करने पर इनके अंदर के कुछ रीअरेंजमेंट होते हैं, तो मैं हीट करती हूँ तो इनके बीच अंदर कुछ रीअरेंजमेंट चलते हैं जिससे कि ये दोनों फॉर्म बनते हैं। कैसे बनता है, ये जो CHO है ना, इसको आपको ऐसे दिखाना है, ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे इसको आप नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन, और यहाँ पे मुझे बताओ कितने कार्बन कायरल है, 4 नहीं, किसने पूछ रहे, ये जो 2, 3, 4, 5 है, ये सारा कुछ जानो कायरल कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज चढ़ जाता है बॉन्ड टूटने के बाद। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे OH ग्रुप देख रहे हो ना, HOH, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होता है बीच का, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस चार्ज का जनरेशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं चेक करूँ ये माइनस के पास कौन जाएगा, प्लस जाता है H प्लस, ये H प्लस जाके माइनस के साथ जुड़ता है और यहाँ पे OH बनाता है, और ये जो O है वो माइनस है, वो कार्बन से जुड़ता है, यहाँ पे प्लस के पास आकर जुड़ता है, ठीक है। तो इससे स्ट्रक्चर क्या बनता है, देखो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे बनेगा लाइक दिस, ठीक है। मैं यहाँ पे OH को लूंगी, यहाँ पे H को ले लेना है, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, एक तरफ तो OH हो गया, इस OH को मैंने यहाँ पे ले लिया,
कि H को मैंने यहाँ पे रख दिया, बाकी ये पूरा ऐसे नीचे जाएगा। ओके नीचे मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे एक दो तीन और चार, इस चार में से ये जो नीचे वाला है ना, ये चार फोर्थ वाला यहाँ पे एच रखना है। ये ओ जो है, ये ओ माइनस जुड़ेगा कार्बन के साथ, तो यहाँ पे आपको पूरा इसको उठा लेना है और यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ देना है। ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन है, ये पूरा, ये तो निकल गया पूरा ना। अभी ऑक्सीजन जुड़ेगा कार्बन के साथ, ऐसे जोड़ देना है आपको, ठीक है। बाकी जो है उसे भरते चलो आप। ये एच ओ एच है, ये ओ एच एच है यहाँ पे, और ये H और OH है। H का आगे जो इसके साथ जुड़ा हुआ, इसके साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा? ये यहाँ पे गया ना, ये ओ, ये यहाँ पे इसने पकड़ लिया इसको, ये बॉन्ड तो टूट जाएगा ना। अब सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा ना, ये H यहाँ पे जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड OH है ये, ठीक है। ओके, और ये सब को, इस हाइड्रोजन को मैंने दूसरी तरफ दिखा दिया। अच्छा, तो ये इसे कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। दिस इज माय अल्फा डी ग्लूकोज, यू नो दिस इज माय अल्फा डी। अल्फा डी ग्लूकोज मैं क्या कर रहा हूं, उसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके क्या करना है, यहाँ पे जिस साइड ऑक्सीजन होगा उसी साइड आपको ओएच ग्रुप को दिखा देना है, हाइड्रोजन को दूसरे साइड ले लेना। दिस इज माय कार्बन, कितने बन रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह, यस सिक्स कार्बन बन रहे हैं। तो 303 केल्विन में ये मेरा यहाँ पे डिफरेंस बनता है, यहाँ पे बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड जुड़ता है और ये स्ट्रक्चर बनता है। बीटा डी ग्लूकोज में क्या करना है, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर को बना देना है, बट करना क्या है, खाली जो फर्स्ट कार्बन है ना उसके ओरिएंटेशन को बदल देना है, OH को इस तरफ पर लाना है और H को इस तरफ लाना है, दैट्स ऑल। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं बता रही हूँ यहाँ पे, अब चेक कर लो, कुछ नहीं करा है मैंने, बिल्कुल दोनों सेम है, पर तो ज्यादा हीट देने के बाद क्या होता है, इसका ओरिएंटेशन फर्स्ट कार्बन पे ओरिएंटेशन बदल जाता है। फर्स्ट कार्बन पे OH इस तरफ था, राइट हैंड साइड, H लेफ्ट हैंड साइड था, यहाँ पे उल्टा हो गया, OH हो गया राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड और H हो गया राइट हैंड साइड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज। टेम्परेचर का थोड़ा यहाँ पे गेम चलता है, एंड अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। पता था मैंने आपको, हम एक डाउट था कि इससे जो रीअरेंजमेंट होगी पूरे टूल के साथ, अगर किस पर रीअरेंजमेंट होती पास के बाद में सब, तो एक्चुअली यहां पे से कहोगे ना कि बेसिकली रीअरेंजमेंट शॉर्ट अप हम उसे कह सकते हैं कि उसी एटम के साथ उसी का रिएक्शन हो गया है। समझ में आ गया, मैं आप इसे शॉर्ट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते, रीअरेंजमेंट में पास पास के रीअरेंजमेंट हो जाता है, थोड़ा यहाँ पे चला गया, थोड़ा यहाँ पे चला, बट ये लंबा मॉलिक्यूल है ना, तो ये इंट्रा काम चल रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल के बीच रिएक्शन हो रहा है प्रॉपर। आप इसे प्रॉपर रीअरेंजमेंट नहीं कह सकते, रीअरेंजमेंट में क्या होता है ना, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, ये अपने आप को सेटल कर देगा, बट यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। मामी एक बार आप दोबारा समझा सकते हो क्या, कौन सा मां, मतलब ये रीअरेंजमेंट वाला एक बार दोबारा समझा दो, ये वाला, ये रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है, ये बॉन्ड यहां पे पाई बॉन्ड है ना, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस और प्लस में जाएगा, सिंपल है। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस और ये प्लस में जाएगा, ये प्लस कहां पे जाएगा, माइनस के पास, हमेशा प्लस और माइनस तो अट्रैक्ट करेंगे ना, जो इतनी आपने लंबा कनेक्शन बनाया, सीधा हम ओ नहीं डाल सकते ऊपर, कहाँ पे, यहाँ पे, यस मैम, यहाँ पे डालो, नहीं नहीं मैम, मामी
ओके मैम, ओके मैम, ठीक है ठीक है ठीक है. नहीं नहीं मैम, वो मेरे को लगा कि वो सिर्फ ऊपर वाले कार्बन से वो कनेक्टेड है. नहीं देखो आपको बताती हूँ, ये ऑक्सीजन ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे कनेक्टेड हो रहा है ना. ये ऑक्सीजन जो है वो फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन को जोड़ रहा है. देखा, फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन को जोड़ रहा है ऑक्सीजन, दो कार्बन को, तभी साइकिल चेन बना रहा है. साइक्लिक क्यों मैंने कहा, साइक्लिक क्यों है ये, बिकॉज ये ऑक्सीजन जो है ये फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन को जोड़ रहा है. हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ओरिएंटेशन को बदल देना है आपको, बस उल्टा कर देना, बाकी सब कुछ सेम है. ठीक है, अच्छा अब इसके बॉइलिंग इसके मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन और इसके मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन. तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है अगर पूछा गया तो बीटा डी ग्लूकोज इज स्लाइटली मोर स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूकोज. एंड इन दोनों को क्या कहते हैं हम, एनोमर्स कहते हैं. दिस टू आर नोन एज एनोमर्स. बोलेंगे एनोमर्स क्यों कहते हैं, बिकॉज फर्स्ट कार्बन पे ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है दोनों का, दीज आर एनोमर्स. ये है बच्चे, आप लिखो, मैं आपकी सीधा आपको क्या पढ़ाऊंगी उसके बाद ये डन हो चुका है. अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया है. अब हम सीधे चलेंगे पायरानो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में चलेंगे. स्ट्रक्चर वही है, रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग करनी पड़ेगी बस. ठीक है, सो ड्रॉ दिस जस्ट कमिंग. आ रही हूँ मैं. प्रतिका ये है मैम. बोलो मैम, इस चैप्टर से एंजाइम्स कट गया है क्या? ये तो आप सोचे बताओ बच्चे, या फिर प्रोड्यूस है किसी के पास. देखो तो एक बार ये बच्चे बता रहे हैं अभी. डिलीटेड चैप्टर क्यों दिया है इसके लिए?
कर देते हैं, बट हमें बहुत दिक्कत होती है आधा पूरा पढ़ाना, बहुत दिक्कत हो जाती है। और लास्ट में डीएनए और पूरा पूरा पढ़ा देना ना। हाँ इसलिए एंट्रेंस वाले बच्चों को तो पूरा करना है ना ये। अच्छा एनीवे मैं देखती हूँ कितना, ठीक है ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा डी प्लस ग्लूकोज। मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मुझे नीचे स्ट्रक्चर ड्रॉ कराना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ दूसरा वाला, ये यहाँ पे मुझे एच लेना है, दूसरे साइड को एच लेना है और सीधा ऐसे चलेगा। ये ऑक्सीजन यहाँ पे आके जुड़ेगा और लाइक दिस एच ओ एच ओ एच एच और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है। तो दिस इज माय डी प्लस ग्लूकोज स्ट्रेट चेन है और ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, एंड दिस इज माय बीटा डी। अब हम तुम्हें लेके चलती हूँ पायरानो स्ट्रक्चर। पायरानो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है? ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है ना, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। व्हाट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर? ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को अगर मैं प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी तो ये एक पायरन मॉलिक्यूल को रिजेंबल करता है। एक पायरन मॉलिक्यूल के शेप एंड स्ट्रक्चर को ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करते हैं। नाउ व्हाट डू मीन बाय पायरन? पायरन इज ए कैंटिलीवर। This is my pyran. What is this? This is my pyran. Pyran एक six membered cyclic ring है. Pyran क्या है? What is pyran? Six membered. Cyclic structure. One oxygen and five carbon. ठीक है? पायरन का मतलब होता है, पायरन जो है एक सिक्स मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सिक्स मेंबर का मतलब है उसमें सिक्स मेंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ये एक सिक्स मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें कि एक ऑक्सीजन है और पांच कार्बन जुड़े हैं साइकल्स, एक रिंग में जुड़े हुए हैं। एक ऑक्सीजन और पांच कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन जुड़े हुए। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ तो इट लुक्स जस्ट लाइक दिस। पूरा रिजेंबल अगर ना भी करता हो बट बहुत सारी केसेस के देखें तो ये बहुत सारे जगह पे रिजेंबल कर लेता है, तो इसीलिए इसके स्ट्रक्चर को हम पायरानो स्ट्रक्चर कहते हैं, बिकॉज इट रिजेंबल्स पायरन। ये पायरन को रिजेंबल करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पायरानो स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पायरानो स्ट्रक्चर, जिसे आप हावर्ड स्ट्रक्चर भी कहते हो। अब चलते हैं पायरानो स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज कैसे दिखाना है। यहाँ पे देखो आप, ये कितने मेंबर हैं? सिक्स मेंबर हैं। चेक कर लो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मेंबर हैं। अगेन एक ऑक्सीजन और पांच कार्बन है, एक ऑक्सीजन और पांच कार्बन दिख रहे हैं आपको। 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। खाली डबल बॉन्ड का थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रही है, डबल बॉन्ड नहीं है, बट बहुत सारे केसेस में ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पे और आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, क्लियर है? अब यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ फिर आपको बताऊंगी। सी एच टू ओ एच है, एच है, एच है, ओ एच है, ओ एच, एच है, एच है, ओ एच है और ये एच और ओ एच है, ठीक है। सिक्स मेंबर्स, हाँ सिक्स मेंबर है, मतलब एक ऑक्सीजन और पांच कार्बन रहेगा, जैसे कि पायरन मॉलिक्यूल के अंदर होता है। तो इसका भी एक ऑक्सीजन है और पांच कार्बन को, इसी का रिप्रेजेंटेशन है ये। दिस इज द पायरानो स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज द पायरानो स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अब हम चलते हैं, ये जो सी एस टू ओ एच ऊपर है ना, ये सी एस टू ओ एच उसके पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये हाइड्रोजन है, फिर एच ओ एच है, ये वाला एच ओ एच,
फिर OHH है, ये वाला OHH, उसके बाद H OH है, उसके बाद H OH है, उसके बाद H OH है, ये लास्ट वाला H OH। समझ में आ गया? इसका मतलब है ये फर्स्ट कार्बन है ना, ये वाला फर्स्ट कार्बन है। मैं से बताती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। सो ये 1, 2, 3, 4, 5 and 6। So this is the pyranose structure of alpha D. फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर कर देंगे तो ये बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। बस बस बस, फर्स्ट कार्बन पे अगर इसको इंटरचेंज कर दोगे, OH को ऊपर ले लोगे, सो इट विल बी बीटा डी ग्लूकोज। बिल्कुल, इसके भी 6 कार्बन है, इसके भी 6 कार्बन दिख रहे हैं मुझे, मैंने बना दिया है। ठीक है, ये साइक्लिक रिंग है यहाँ पे। फर्स्ट देखो, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन जुड़ रहे हैं कि नहीं, चेक करो। फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं कि नहीं, चेक करो। फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे ड्रॉ करो। मैं दूसरा वाला भी ड्रॉ करा देती हूँ, मैं दूसरा वाला ड्रॉ करा देती हूँ। दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है? बस फर्स्ट कार्बन के ओरिएंटेशन में अलग हो गया है, बस बाकी सारे बिल्कुल सेम है। सो दिस इज अ पायरानो स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। अगर आप कहोगे तो मैं एंजाइम्स और विटामिन्स को छोड़ छोड़ के आगे निकल जाऊंगी, मुझे पहले ये बता देना। हाँ, हाउ वाज स्ट्रक्चर? हाउ वाज स्ट्रक्चर नहीं मामा, पूरा ही करा देना। विटामिन्स और एंजाइम्स को वैसे भी नहीं पढ़ाया जाता है बच्चों को, क्या करना है? विटामिन ए का काम क्या है ये मैं क्या बताऊंगी, विटामिन बी का काम क्या है, विटामिन सी का काम है, खुद बच्चों को बोलती हूँ की मैं आपको मेन इम्पोर्टेंट बता देती हूँ, बाकी तो उसको टेबल में मिल जाएगा एनसीईआरटी में, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, बस ये एनसीईआरटी में आप लर्न कर लो। आपने क्या कहा था, इसका दूसरा नाम क्या होता है? H-A-W-O-R-T-H।